So hi guys, welcome back to the channel guys and you watching Deep's Creation and I am Dipanshu Deep. So आज एक नया एक और ब्लॉग आ गया है जिसमें इसके सीट कवर चेंज होने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल्स में सब चीज़ पहचान ही लेते हो कि इसके अब बिल्कुल ही चेंज करने वाले, कुछ अलग ही कलर करने की कोशिश है। और आज मैं आपको एक फैक्ट्री दिखाने वाला हूँ जहाँ पे सीट कवर्स बनते हैं करोलबाग में, और करोलबाग में कहाँ से सीट कवर आते हैं मतलब शॉप्स पे, और वहाँ से फिर किस तरीके से लगते हैं, तो आप डायरेक्ट कैसे परचेज कर सकते हैं तो वो भी चीज़ आपको पता लग जाएगी। और उसके बाद फिटिंग करानी है तो किस तरीके से आप फिटिंग करा सकते हैं और क्या रिस्पॉन्स आता है उधर का, कपड़ा कौन सा यूज हो रहा है, तो सारी चीज आज हम बात कर लेंगे। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज किस तरीके से लुक निकल करके आएगी। तो इसे करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। तो बिना किसी देरी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब वीडियो कर दिए, लाइक और कमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कमेंट करके आप ही बता सकते हो कि आगे किस चीज के ऊपर वीडियोस मेरे को बनानी चाहिए। तो अभी तक तो मैं वही चीजें बना रहा हूँ जो मेरे लिए मतलब जरूरी होती है, हमारे लिए कि हमें मतलब चाहिए होती है गाड़ी के अंदर, तो वही सब चीजों के ऊपर मैं अभी तक वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर आप मेरे को और कंटेंट सजेस्ट करेंगे कि आप इस चीज के ऊपर वीडियोस बनाइए तो मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा और प्रोडक्ट का एक रिव्यू करके बता देता हूँ कि मैं कितने टाइम तक ऐसे सीट कवर चल जाते हैं या फिर क्या रिस्पॉन्स रहता है इनका। तो जल्दी चलते हैं मार्केट की तरफ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ फैक्ट्री और फिर उसका काम दिखाता हूँ और उसके बाद आपको प्राइसिंग के बारे में डिस्क्लोज कर देंगे आज हम सारी चीज़ इसी वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि मैं अब आ चुका हूँ करोलबाग मार्केट, आप देख सकते हैं ये करोलबाग आटे, आज मंडे होने की वजह से करोलबाग मार्केट बंद है, तो आज तसल्ली से अच्छे से काम हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी मैं आपको कंडीशन दिखाया था कि किस तरीके की कंडीशन है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि पहले जो सीट कवर लग रहे थे वो कुछ इस तरीके के लगे हुए थे यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ से देखो ये जीन्स के ना एक लॉक लगने लॉक जो होता है उससे फट गए हैं, और इसकी कंडीशन देखिए कि किस तरीके की सीट कवर की कंडीशन हो चुकी है अभी तक। तो वैसे तो ड्राइवर सीट्स की ही इस तरीके की कंडीशन हुई है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और ये वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक है। मैं बैक साइड की सीट भी दिखाया था आपको, तो बैक साइड से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के सीट कवर इस पर लगे हुए थे अभी। तो अब इस पर कुछ और कलर के अलग कुछ करने की कोशिश है, और यहाँ पे भी हम कलर चेंज करा रहे हैं, जो सीट कवर का कलर होगा वही कलर इन गत्तों पे भी आ जाएगा और स्टेयरिंग पे भी कुछ इसी तरीके का कलर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तो आपको कंडीशन दिखा दी है मैंने कि किस तरीके की थी। देखिए कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, इसमें कपड़ा फंसा रखा है, तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत हो चुकी है। तो अब जब इसका काम हो जाएगा तो उसके बाद दिखेगा कि किस तरीके की कंडीशन निकल करके आने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक निकल करके आएगा इसका, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो इसीलिए वीडियो कर लीजिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है इस वीडियो के अंदर कि आपको वीडियो पसंद आनी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फैक्ट्री कहाँ पर होने वाली है और किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से काम होता है, और लास्ट में आपको दिख जाएगा कि किस तरीके का काम इसमें हुआ है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरीके से इन्होंने सारा कुछ सीट्स वगैरह निकाल ली है, और यहाँ से ये सीट निकल चुकी है और यहाँ पे काम होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं मैटिंग भी कराने वाला हूँ, जो कि अगर कुछ जिस तरीके से अब ये गंदा दिख रहा है ना तो मैटिंग है इसमें चिपक जाता है, तो मैटिंग का ये होता है कि इसमें पानी वगैरह या फिर अगर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी चीज़ें गिर जाती है ना तो स्मेल नहीं करती, इसके अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो स्मेल आने लगेगी और प्रॉब्लम देने लगेगा। तो अब इसके अंदर मैटिंग हो जाएगी ना, तो मैटिंग में आपको दिखाता हूँ किस तरीके की मैटिंग होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि मैटिंग, सो गाइज मैं आपको मैटिंग दिखाने वाला हूँ कि मैटिंग कुछ इस तरीके की मैंने यूज़ की है, आप देख सकते हो इसको पत्थर डिज़ाइन में कहते हैं, और देख सकते हो आप इसका रिस्पॉन्स, और इसकी फिटिंग जो आने वाली है ना वो अब आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर ही पहले सारा कुछ साफ होगा उसके बाद इसके ऊपर मैटिंग लग जाएगी, तो उसकी जो फिटिंग निकल के आएगी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाएगी, स्नक फिट जैसे ये फिट हुआ है। तो देखते हैं इसका किस तरीके से काम होने वाला है आगे। और जैसे कि यहाँ पे सीट कवर का काम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे फुली विकेट सीट कवर बनने वाले हैं, एक सीट वहाँ रखी हुई है, और इसके बाद देखते हैं रेड कलर के सीट कवर जैसे आप पीछे देख सकते हैं जो हमने चूज़ किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक निकल करके आएगा और सारी चीज़ में लगने वाली है। तो अब शिफ्ट का जो लुक है ना अलग ही लुक निकल करके आने वाला है, तो इसे करते हैं वीडियो को आगे पॉइंट पर देखते हैं किस तरीके से होने वाली है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी काम हो रहा है और एक भाई और आ गए हैं, तो दो जने अलग अलग चीज़ों का काम कर रहे हैं, और अभी एक जना और आने वाला है जो आकर के मैटिंग की काम कर देगा कि इसके अंदर मैटिंग डल जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी काम हो रहा है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:00। सो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:05, तो 11:05 पर काम स्टार्ट हुआ है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम हो चुका है आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक सीट रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे काम हो रहा है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा, तो जैसे ही काम हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का काम हुआ है
और आपको आना वर्थ है यहाँ पे और किस तरीके का काम हुआ है या किस तरीके की लुक निकल कर आई है सीट कवर की, तो वो सारी चीज़ मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा। सो गाइस, जैसे कि अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से काम हो रहा है, वहाँ पे अलग सीट कवर्स का काम हो रहा है और यहाँ पे सीट कवर्स लग चुके हैं और यहाँ पे गत्ते में जो कलर लग रहा है कि रेड वाला, तो ये लगना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए किस तरीके से काम हो रहा है, कितनी जल्दी काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स लगा मेरे को अभी तक का यहाँ पे। और अभी हो गए हैं साढ़े ग्यारह बज गए ऑलमोस्ट करीब, तो अभी तो देखते हैं कि किस तरीके से काम होने वाला है और लुक मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है अभी तक तो, और देखते हैं लगने के बाद किस तरीके की लुक निकल करके आने वाली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मैटिंग का काम हो रहा है और बिल्कुल अच्छी तरीके से मैटिंग अंदर दबाई जाती है और उसकी फिटिंग की जाती है। तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ बाहर निकाली जा रही है वहाँ से, आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से काम हो रहा है और सारी चीज़ें बाहर निकाल दी जाएगी। इस तरीके से वायर्स वगैरह जहाँ से निकल रही है या फिर कोई भी चीज़ इस तरीके से अंदर फिटिंग हो जाएगी, ये सब कुछ अंदर चला जाएगा अभी, तो बिल्कुल स्नग फिट वाली फिटिंग आ जाएगी। उसके बाद सीट कवर्स लग जाएंगे तो उसके भी मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा दूँगा कि किस तरीके का है। सो गाइस, जैसे कि आप अभी देख रहे हो किस तरीके से काम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से अभी तक तो काम हो रहा है, और भैया के साथ ना मैं भी आपको बात करा दूंगा कि किस तरीके से क्या प्राइसिंग रहने वाली है और किस चीज़ का, और जो भी काम होता है उसकी फिटिंग विटिंग आपको सब तक अच्छी तरीके से पता चल जाएगी, दिख जाएगा काम। और जैसे कि आप करोल बाग आते हैं तो यहाँ पे शॉप पे आते हैं तो शॉप का जो मार्जिन होता है ना बीच का, वो हट जाएगा और ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि आप बीच का मार्जिन हट जाएगा तो प्राइस अच्छा मिल जाएगा आपको और आप अच्छे प्राइस में अच्छा कपड़ा ले करके और अच्छी तरीके से काम करा सकते हैं अपना। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा होने वाली इन्फॉर्मेटिव, तो इसको लाइक कर दीजिए और आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेकर के आता रहूँगा। और इन फ्यूचर और भी चीज़ें हैं, और भी तरीके के कपड़े यूज़ हो सकते हैं शायद, मैं और भी गाड़ियाँ आने वाली है तो देखते हैं उसमें किस तरीके का काम होने वाला है, और डिज़ाइन भी आपको अलग अलग तरीके के दिखी जाएंगे उनके सीट कवर्स में। तो सीट कवर्स का तो काम और भी आने वाला है हमारे पास, मतलब अपनी गाड़ी हैं दो तीन तो जिनके ऊपर काम कराना है, तो उसके ऊपर आपको वीडियोस और मिल जाएगी। और इसका जो प्राइसिंग होने वाला है ना वो कम से कम रखेंगे हम, और जैसे भी हो पाएगा कुछ अपनी तरफ से डिस्काउंट भी करवाने की कोशिश करूँगा कि मेरे व्यूअर्स के लिए भैया की तरफ से कुछ डिस्काउंट हो जाए। तो देखते हैं क्या रहता है प्राइस और किस तरीके से डिस्काउंट आपको मिल पाता है आज, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में डिस्काउंट दिलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता ही हूँ। तो डिस्काउंट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप आएंगे तो आप बताएंगे कि दीप्स क्रिएशन पे आपने ये वीडियो देखी थी और इस तरीके से भाई ने जो भी प्राइसिंग आपको बताई थी और डिस्काउंट क्या प्राइस रहने वाला है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता लग ही जाएगा। तो देखते आगे ये काम किस तरीके से होने वाला है, अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me. सो गाइस, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि देखो किस तरीके का इसका लुक निकल करके आया, ये पूरी कंप्लीट हो गई है सीट अब, तो आप देख सकते हो कि देखो किस तरीके के मतलब फिटिंग देखो आप, मतलब एस टू एस एकदम फिटिंग हुई है। और देखो किस तरीके से बकेट फिट आया, बिल्कुल उठ करके सीट आई हुई है, फ्रंट से भी इसमें पैडिंग की गई है एक्स्ट्रा और साइड से भी की गई है, तो देखो किस तरीके से अच्छी लुक निकल करके आई है कितनी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब तो ये। और इसको गाड़ी में लगने का वाइट कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन निकल करके आएगा इसका, और पहले मेरा जो प्रेफरेंस था वो टैन कलर की तरफ जा रहा था, पर ये रेड कलर का सजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को कि भाई रेड कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक निकल करके आया है। तो अभी इसकी फिटिंग हो जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का इसका लुक निकल करके आएगा प्रॉपर गाड़ी के अंदर, कि बिल्कुल इंटीरियर के साथ किस तरीके से लगने वाला है। और यहाँ पे देखो गत्ते का काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हो कि गत्ता किस तरीके से आ रहा है, तो देखो किस तरीके से शाइन मार रहा है एकदम, मतलब अलग ही रेड का कंट्रास्ट जो आ रहा है निकल करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी इसके और भी लग रहा है पार्ट्स पे, जैसे कि पिलर्स पे लग रहा है आगे के फ्रंट के दो, तो अभी आप देख सकते हैं
तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से एकदम इसकी फिटिंग हुई है। तो देखिए किस तरीके से फिटिंग हुई है यहाँ पर, ट्वेस ट्वेस बिल्कुल अंतर तक फिटिंग आई है। और अभी यहाँ पे सारे कुछ एडजस्ट हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ चीज़ें सेट होती चली जाती है। तो देखते हैं इसके बाद किस तरीके से काम होने वाला है। अभी पूरा काम होने के बाद मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से इसकी लुक निकल कर के आई है। तो अभी मैं बैक साइड से दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की लुक है। और अभी तक सारी चीज़ इसमें सेट हुई है ऑलमोस्ट। देखे उधर का पिलर हट रहा है अभी, तो जो कवर होता है पिलर का तो वो दोनों हट चुके हैं, ये भी हट चुका है, तो इन पर भी रेड कलर करा रहे हैं। तो पूरा इंटीरियर होने के बाद ना बहुत अच्छी लुक निकल करके आने वाली है। तो फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं आपको अब इसके बाद। सो गाइस, जैसे कि अभी आपने देखा, देखो सीट किस तरीके से, ये वाली भी रेडी हो चुकी है। और ये देखो गत्ते का रिस्पॉन्स किस तरीके से आया है, रेड कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको मैटिंग दिखा देता हूँ कि मैटिंग को देखो किस तरीके से फिटिंग हो चुकी है। ये जो धीरे धीरे है ना पूरी फिटिंग अपने आप आ जाएगी। और यहाँ से पूरी फिटिंग एक बार को हो चुकी है काफ़ी अच्छी तरीके से। इसके ऊपर मैट डलने हैं वैसे भी, और देख सकते हो आपकी किस तरीके से हो रहा है। वहाँ पर देखो एक गत्ता फिट हो रहा है अभी। और यहाँ के जो पिलर्स हैं, एक दो और ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा पिलर, तो ये वाले पिलर्स का भी कलर अभी रेड कलर का कुछ इस तरीके से होने वाला है, जैसे ये गत्ता हो गया है। तो फाइनल लुक अब मैं इसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा कि जब सारी सीट्स वगैरह इसमें कंप्लीट लग जाएगी ना, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की लुक निकल के आने वाली है। तो बस इसके बाद अब 2 मिनट का आपको वेट करना है, मतलब 2 मिनट भी कहाँ वेट करना है आपके लिए, तो बस मुझे वेट करना है कि इसके अंदर जैसी फिटिंग हो जाती है मैं आपको नेक्स्ट सीधा फिटिंग के बाद का लुक दिखाता हूँ। सो गाइस, अब आ जाते हैं फाइनल लुक की तरफ। और फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है, जैसे कि अभी आप गाड़ी में देख सकते हैं कितनी ब्लैक कलर के अंदर से कंट्रास्ट कितनी अच्छी दिख रही है रेड कलर की। और अभी आपको देख पा रहे होंगे कितना मतलब अच्छा लुक निकल करके आ रहा है। मैं आपको दिखाया था कि किस तरीके से फिटिंग हुई है और किस तरीके से अब गाड़ी दिख रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो एंट्री में ही मतलब यहाँ पे कपड़ा लगवाया है रेड कलर का, तो जो सीट कवर का कलर था सेम वही कपड़ा यहाँ पे लग चुका है, तो काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। स्टेयरिंग व्हील रैप हो चुका है रेड कलर से ही, सेम जो हमारे सीट कवर के कलर थे। तो अंदर से अभी आप देखोगे तो चारों के चारों पिलर्स यहाँ पे करे हैं हमने रेड कलर से करवाए हैं, मतलब इसका कपड़ा लगवाया है सेम। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से तो आपको ये जज नहीं कर पा रहा था, बट वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो अब आ जाते हैं हम सीट कवर के और, जो बिल्कुल मेन था कि हमारा कि सीट कवर चेंज कराने थे। तो इधर से आप कुछ देख सकते हो कि सीट कवर का लुक किस तरीके से आ रहा है, बकेट फिट सीट कवर्स का। तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये कलर। और आप देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको दूर से दिखाऊँ तो अभी आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इसका लुक आ रहा है और पूरा बैक साइड तक। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मतलब एस टू एस फिटिंग देखिए और किस तरीके से बकेट बनाया गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अभी आप ये देख सकते हो, तो इसके नीचे हुई थी मैटिंग, तो उसका भी मैंने आपको रिस्पॉन्स लास्ट टाइम दिखाई दिया था। तो ये पूरी मैटिंग हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर जितना भी डस्ट है बिल्कुल ईजिली साफ़ हो सकता है, गीले कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी आपको गिर जाता है यहाँ पे, पानी कोल्ड ड्रिंक या ऐसी कुछ एक्सेट्रा चीज़, तो ईजिली वो वॉशेबल अब ये हो चुकी है। तो आपकी बैक सीट भी आप दिखा देता हूँ कि बैक सीट का रिस्पॉन्स किस तरीके का है। तो आप ये देख सकते हो कि बैक सीट का रिस्पॉन्स किस तरीके का, कितनी अच्छी लुक निकल करके आई है। पहले जो हमारी प्रेफरेंस थी वो थी 10 कलर की, बट 10 कलर में मतलब हो नहीं पा रहा था पॉसिबल कि जो कलर हमें चाहिए था उतना लाइट कलर मिला नहीं हमें। तो रेड कलर की मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने रेड कलर में इस बार इसको करा दिया है। और इसकी लुक मेरे को लग रहा है 10 कलर से भी ज़्यादा अच्छी निकल कर के आई है, क्योंकि 10 कलर आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है, हर दूसरा बंदा 10 कलर में करा रहा है। तो हमने कुछ रेड कलर में कराया, तो आप ये देख सकते हो कि पीछे से ब्लैक और रेड का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन करके आया है। तो ये थी कुछ फाइनल लुक। अब मैं हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जहाँ पे वीडियो मतलब यहाँ से सीट कवर सिले थे, बने थे जो फैक्ट्री थी वहाँ से। तो अब हम वहाँ पे जा करके आपको प्राइसिंग के बारे में बताऊँगा और कहाँ से किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो सारी डिटेल मैं वहीं पे देता हूँ। सो गाइज, आपने अभी तक देखा कि किस तरीके से काम हुआ था गाड़ी के अंदर और कहाँ से हुआ था और क्या क्या रिस्पॉन्स था गाड़ी का। तो अभी मैंने आपको फाइनली ये भी दिखा दिया कि किस तरीके से काम लुक निकल करके आई है काम होने के बाद, किस तरीके का इंटीरियर दिख रहा है और लेमिनेशन मतलब जिस तरीके का भी ये कपड़ा था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक निकल करके आया था। अब मैं आपको फैक्ट्री के बारे में बताने वाला था कि फैक्ट्री कहाँ पर होने वाली है और ओनर से मिलवाने वाला था और प्राइसिंग डिस्क्लोज होने वाली थी। तो मैं अब सारी चीज़ें आपको फैक्ट्री में आ गया हूँ, तो आपको बताने वाला हूँ ओनर से मिलवा सबसे पहले। तो चलते हैं हम वीडियो में कि ओनर के पास। तो गाइस, अभी आप मिल सकते हैं ओनर से और आपको प्राइसिंग के बारे में और आपको कुछ डिज़ाइन दिखाने वाले हैं कि किस तरीके के डिज़ाइन अवेलेबल यहाँ पर हो जाते हैं। तो भैया, अपना सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोग। संतोष तिवारी, मेरा नाम है 9818753400। दूसरा नंबर बता देता हूँ 8527629799। और एड्रेस बता दीजिए सर अपना। एड्रेस 16/3 बिल्डिंग नंबर 3rd फ्लोर, अब्दुल अजीज रोड,
करोल बाग। तो भैया आज अब हमें किस तरीके के डिजाइन दिखाने वाले और कौन सा कपड़ा होने वाला है वो? मैं आपको जैसे जो मेरे पास अवेलेबल है नाका सापा, हाँ जी, ये सब अवेलेबल है। जैसे डिजायर के देख लीजिए, स्विफ्ट देख लीजिए, नियोस का है ये देख लीजिए, सोफा लेदर जैसे मेरे पास करेटा के अवेलेबल है। ये सारी डिजाइने हैं, इसके अलावा हर गाड़ी मिलेगा कंप्लीट। तो हैचबैक कार्स के आपके पास सभी डिजाइन मिल जाते हैं, तो इनकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? जैसे ये डिजाइन आपने जो दिखाए हैं, और इसमें कौन कौन से गाड़ियों के चीज़ें मिल जाती है आपके पास? स्मॉल के मैं जैसे रेट बता दूँ, 35 से स्टार्ट है स्मॉल गाड़ी का। हाँ, इसके ऊपर जो भी है मीडियम गाड़ी, इसके ऊपर लग्जरी गाड़ी सारी। तो जैसे कि आप जान देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी डिजाइन है ना, सारे ही आपको मिल जाएंगे। किसी भी कार में आप लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये साका और नापा लेदर होने वाला है, जो कि आपको मार्केट में आपको लगाया जाता है 5 से 6 हज़ार रुपये आराम से ले लिए जाते हैं आपसे, और ज़्यादा उससे भी ज़्यादा ऊपर जाए तो आपको 8 हज़ार में भी यही चीज़ आपके लिए लगा दी जाती है। तो डायरेक्ट आप फैक्ट्री ओनर से अगर आप मिल रहे हैं तो आपको क्या अच्छी प्राइसिंग मिलने वाली है यहाँ से? तो वो भैया आप ये प्राइसिंग बता दीजिए कि इनके क्या प्राइस होने वाला है? जैसे छोटी गाड़ी स्मॉल के हमारे पास 35 से स्टार्टिंग है। अच्छा, तो 3500 रुपये, मतलब कि आपको 3500 रुपये में ये चीज़ें मिल जाती है। जितने भी डिज़ाइन आपको दिख रहे हैं, जो कपड़ा दिख रहा है, तो यही चीज़ आपको मिल जाती है। तो अगर भैया कोई चाहता है कि उसको और अच्छी चीज़ चाहिए, तो आप अच्छी चीज़ में क्या दिखा सकते हैं? इससे अच्छी जैसे सोफा लमिनेशन है। अच्छा, हाँ ये देख लीजिए, इसी में लमिनेशन हुआ पड़ा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये सोफा लेमिनेशन है। तो अभी भैया इसका क्या प्राइस हो जाता है? इसका बैक कार के लिए कोई आ रहा है छोटी गाड़ी के लिए 45 से स्टार्टिंग है इसका। 45, तो 4500 रुपये में आपको सोफा लेमिनेशन मिल जाती है। और ये मार्केट में कितने का बिक रहा है इसका? मार्केट जैसे रिटेल काउंटर पे तो कोई रेट ही नहीं है, 8000-10000 कुछ भी बेच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8 से 10 हज़ार रुपये में आपको यही चीज़ लगा करके दे दी जाती है, और आप अब डायरेक्ट फैक्ट्री से लेने के लिए आएंगे। तो भैया अगर कोई आ रहा है कि आपके पास कि हमें सीट कवर लगवाने हैं, तो आप लेबर्स भी अरेंज कर देते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है भैया, यहाँ पे लेबर्स का भी अरेंजमेंट हो जाएगा, पर जो एडिशनल चार्जेस होते हैं ना, ये सिर्फ सीट कवर के प्राइस आपको बताया जा रहा है कि 3500 रुपये में आपको सीट कवर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद जो एडिशनल प्राइस होता है वो आपको, तो आपको लेबर की तरफ से एडिशनल प्राइस बता दिया जाएगा कि क्या लेबर मांगती है, तो अच्छे से अच्छा प्राइस दिया जाएगा भैया यहाँ पे आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती है आपको। और अगर और भी कोई अच्छी चीज़ लेकर के आता है, कोई डिज़ाइन लेकर के आता है, तो कितना टाइम लगता है कि आप उसको बना करके उनको दे देंगे? 2 से 3 घंटे में। 2 से 3 घंटे? 3 घंटे। भैया के पास आए तो कॉन्टैक्ट करके आए तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा आप। और जैसे भी अगर आपको कॉन्टैक्ट करके अपना सीट कवर बनवाना है, तो पहले आपको एक छोटा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो भैया आपको बता देंगे। तो आप किस तरीके से पेटीएम पे इस तरीके से हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो UPI पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं 1000 रुपये तक, और फिर आ करके आप यहाँ से जितने आप करोल बाग मार्केट आएंगे, इतने आपको आपके सीट कवर तैयार मिलेंगे। बिल्कुल। फिर फिटिंग होने का कितना टाइम लग जाता है सीट कवर का? 1 से 1.5 घंटे। 1 से 1.5 घंटे में आपकी फिटिंग हो जाती है। तो अपनी गाड़ी की ओर की हमने जो काम करवाया था उसके ऊपर, और कौन से उसमें यूज हुए थे सीट कवर, तो यही वाले थे वो शायद साका वाले? हाँ जी, हाँ जी, तो साका वाले जो सीट कवर्स थे वही यूज हुए थे। तो उसमें जो पहले जो कलर का डिजाइन हमने देखा था वो कुछ इस तरीके का 10 कलर था, और मैंने भैया को बोला था कि मुझे रेड कलर में चाहिए। तो भैया कितना टाइम लगता है और कितने टाइम में रेडी हो जाते हैं ये सीट कवर्स? 1.5 से 2 घंटे में मैंने रेडी कर देता हूँ कोई भी गाड़ी हो। 2 घंटे का टाइम चाहिए? आप 2 घंटे भैया बता रहे हो, तो आप 3 घंटे लेकर हाँ। के चलिए, क्योंकि अगर कुछ काम हो सकता है कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप 3 घंटे का टाइम लेकर के चलिए। और कोई आ रहा है तो भैया कोई बुकिंग करा के आ रहा है? जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे को अपने सीट कवर रेडी चाहिए हाँ। तो अगर कोई आ रहा है तो उसको कितना बुकिंग अमाउंट आपको पहले पे कर देना चाहिए? 1000 रुपये तो कम से कम पे पहले करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप आ सकते हैं, या तो आप आकर के वेट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अगर आपको रेडी चाहिए तो आप आने के बाद रेडी करवा सकते हैं। उस पर आपको मतलब आने से पहले पेमेंट कर देंगे अगर आप 1000 रुपये, तो आपको यहाँ पे अपने सीट कवर रेडी मिलेंगे और सीधा फिटिंग होकर के आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। तो भैया जैसे कोई दिन आपकी छुट्टी भी रहती है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, जैसे मार्केट बंद रहती है यहाँ पे मंडे को मार्केट बंद रहती है, लेकिन फिर भी मंडे को भी काम कराना चाहे तो हो जाएगा? तो अगर आप मंडे को काम करवाना चाहे, तो जैसे कि मैं मंडे को आया था भैया के पास, तो आप अगर कॉल पे बात कर लेंगे आपको काम करवाना है, तो भैया मंडे को भी आपका काम करवा देंगे गाड़ी में। बिल्कुल। तो भैया जैसे कि हमारी गाड़ी में जो काम हुआ था, हाँ जी, उसका कितना मतलब खर्चा आ जाता है अगर कोई आ रहा हो तो? आपके जैसे फुल इंटीरियर के काम किए थे तो उसका खर्चा 10000 रुपये। ठीक
ठीक है, 10,000 रुपये आ जाता है। और जैसे कि कुछ डिस्काउंट मैं हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए मांगता हूँ, तो आपकी तरफ से जैसे मेरे लिए भी डिस्काउंट था, तो वही डिस्काउंट मैं चाहता हूँ कि आप सभी कस्टमर्स के लिए कर दें। तो कितना डिस्काउंट कर सकते हैं आप? 1,000 रुपये का डिस्काउंट मैंने आपके लिए कर दिए थे, तो उनके लिए भी कर दूंगा। ठीक है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट जैसे कि भैया ने मुझे दिया था, और 9,000 रुपये में ये सारा काम हो गया था, जिसमें हमारी क्या नाम है, फ्लोरिंग था, सीट कवर, दरवाजा, स्टेरिंग और चारों पिलर और दरवाजे के जो कपड़ा था वो लगा था, और फ्लोरिंग हुई थी और सीट कवर लगे थे, सीट कवर लगे, एक्स्ट्रा पैडिंग भी हुई थी थोड़ी सी, एक्स्ट्रा पैडिंग हुई थी। तो अगर आप आ रहे हैं तो 9,000 रुपये में आपको इतना अच्छा करके काम मिल जाएगा। और भैया जैसे कि अभी मैंने आपसे सीट कवर लगवा लिया है, हाँ जी, तो उसकी क्या गारंटी वारंटी होती है, कितने टाइम तक चल जाता है, और क्या चीज़ मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है? ऐसे कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी हम 3 साल की गारंटी देते हैं। 3 साल में बाई चांस कुछ भी हो जाए तो हम दूसरा कवर चेंज करके देते हैं। तो गारंटी वारंटी किस चीज़ की होती है, आप एक बार ये मेरे को दिखा करके बता दीजिए। ये जैसे है कहीं से सिलाई खुल जाए या चाहे वो चटक जाए, कपड़ा चटक जाए, उसकी गारंटी होती है। अच्छा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई भी सिलाई में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर ये कपड़ा अगर यहाँ से कहीं से भी खराब हो जाता है, फटने लगता है, उतरने लगता है, तो उसकी गारंटी वारंटी भैया की साइड से होगी। जैसे भी होगा उसको रिपेयर करके देंगे भैया, बिल्कुल भैया बिल्कुल ठीक करके देंगे, दूसरा नहीं चेंज करके दे देंगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो वो चेंज करके दे देंगे, और 3 साल तक की ये गारंटी भैया की तरफ से। और भैया मिनिमम कितने टाइम तक चल जाता है ये? वो तो कभी आज तक 4-5 साल से कम चलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम 3 साल की गारंटी दे के चलते हैं। 3 साल की गारंटी भैया दे करके चल रहे हो, और आप मान के चलिए 5 से 6 साल के आपके कहीं नहीं जाने, तो 3500 रुपये में अगर आपके 6 साल चल जाते हैं अच्छे खासे, वो भी बकेट फिटिंग के साथ, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्राइस है, क्योंकि बकेट फिटिंग के साथ अगर करोल बाग में आ रहे हैं ना, तो 10,000 रुपये का तो काम आराम से बनता है, सीट कवर्स का ही 8 से 10,000 रुपये ले लेते हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और भैया एक बारी आप और अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए कि आपसे कांटेक्ट कर लें सब, और कांटेक्ट करके ही आए ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं। 9818753340, एक दूसरा नंबर है 8527629799। तो ठीक है, मेरी साइड से रिकमेंड है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, मेरे को प्राइसिंग भी अच्छी मिली, मेरे को कपड़ा भी अच्छा मिला, और सभी चीज़ यहाँ पे मतलब जिस फिटिंग होने के बाद निकल करके आया लुक वो बहुत अच्छा आया। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ काम होता है उस तरीके से, यहाँ पे भैया के पास लेबर्स हैं, और इधर भी साइड में है भैया का काम, यहाँ से भी भैया का देख सकते हैं ऊपर किस तरीके से स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है, इधर भी और यहाँ पर भी। तो किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, तो आ जाइए यहाँ पे काम करा लीजिए, और भैया के पास आकर के मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आप भी आइए और अच्छे से काम कराइए यहाँ पे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तो इसे करते हैं वीडियो को एंड। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।